Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss Organic Enology by Herbert Spencer. So let's start. Herbert Spencer 19th century के एक British prominent thinker थे जिनको second founding father of sociology भी कहा जाता है. ऑलरेडी हम हर्बर्ट स्पेंसर की एक थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम उनकी सेकेंड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिसको थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है. हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो डार्विन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. डार्विन की बायोलॉजिकल थ्योरीज का उनकी सोशल थ्योरीज पे काफ़ी इम्पेक्ट नज़र आता है. तो वो जो है उन्होंने सोशल एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो भी वहाँ पे डार्विन के जो प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन थे उनको सोसाइटी पे अप्लाई करके सोशल एवोल्यूशन थ्योरी को पेश किया था. उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो सोसाइटी है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह है. स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करने वाले इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह वर्क करती है. जिस तरह से हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं तभी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती है. सेम इसी तरह से हमारी सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जब वो मिलजुल कर काम करते हैं तभी हमारी सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन कर पाती है. तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था कि सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है. जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, हाथ हैं और डिफरेंट और बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारे जो हैं ये अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं. इन सब के अपने अपने काम हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं. अगर इनमें से कोई एक भी पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाता तो हमारे बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उन पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सेम इस तरह वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं. इंस्टीट्यूशंस में रिलीजन आ गया, फैमिली, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में आ जाती हैं. तो वो कहते हैं कि जिस तरह से इसके पार्ट्स हैं उस तरह से हमारी सोसाइटी के भी पार्ट्स हैं. जिस तरह से ये सारे पार्ट्स इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, सेम इसी तरह से हमारी सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, मिलजुल कर काम करते हैं. और अगर कोई एक ख़राब होता है, किसी एक में कोई एक डिसफंक्शनिंग का शिकार होता है तो बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं. उन्होंने इन दोनों को कंपेयर किया था और उन्होंने कहा था कि ये दोनों जो हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती हैं. पहले एक ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सिंपल होता है और हमारी सोसाइटी भी जो है वो सिंपल होती है. वक्त के साथ साथ डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर जो है वो एक इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, उसके स्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप्ड होते हैं. सेम उसी तरह से हमारी सोसाइटी भी प्रिमिटिव सोसाइटी से डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के कॉम्प्लेक्स होती है. तो दोनों जो हैं पहले सिंपल होते हैं और उसके बाद कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑर्गेनिजम्स पहले क्या थे, यूनिसेलुलर थे, फिर वो कॉम्प्लेक्स होकर मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. और सोसाइटी जो है वो पहले प्रिमिटिव होती है, उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और फिर जो है वो मॉडर्न हो जाती है या कॉम्प्लेक्स हो जाती है. वो कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट जो है ऑर्गेनिजम्स में सेल होते हैं, जबकि सोसाइटी में फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो इंडिविजुअल होते हैं. नेक्स्ट इन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताए थे सोसाइटी और इसमें ऑर्गेनिज्म में, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट हैं सिमिलैरिटीज़. हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान 7 सिमिलैरिटीज़ बताई थी और कहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म दोनों के दरमियान कॉमन है. फर्स्ट है सिमिलैरिटी इन विजिबल ग्रोथ. वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म हो या सोसाइटी हो, दोनों की ग्रोथ जो है वो विजिबल होती है. अगर आप एक सोसाइटी देखें, प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके अब तक की सोसाइटीज़, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में हंटिंग एंड गैदरिंग होती है, बहुत सिंपल होती है, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं होते हैं. तो वो कहते हैं कि वो वाली सोसाइटी देखें और आज की सोसाइटी देखें, इनके दरमियान जितने भी ग्रोथ स्टेजेस हुई हैं, जितनी भी सोसाइटी जो है स्टेजेस से गुजर के डेवलपमेंट हुई है उसमें, वो विजिबल है. सेम इसी तरह ऑर्गेनिजम्स का देखें तो जब एक बच्चा पैदा होता है तब देखें और एक अपने आप को देखें तो विजिबल ग्रोथ आपको नज़र आएगी. फीचर्स में, हाइट में, वेट में जो है वो चेंज नज़र आएगा. तो वो कहते हैं कि सोसाइटी और ऑर्गेनिजम्स दोनों की जो ग्रोथ है वो विजिबल है. यानी जब वो स्टार्ट हुए थे या जैसे एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ था तब से लेके अब तक, यानी जितने भी सालों का वो हो गया है, तब तक आपको एक विजिबल ग्रोथ नज़र आएगी. और सोसाइटी भी जब बनी थी, मतलब जो उसका स्टार्ट था वहाँ से लेके अब तक की सोसाइटीज़ में जो ग्रोथ हुई है वो विजिबल है. सेकेंड है एन इंक्रीज़ इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर.
वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स और सोसाइटी दोनों में जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, दोनों में जो है वो स्पेशलाइजेशन आती जाती है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा या सोसाइटी ग्रो करेगी, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे अगर आप प्रिमिटिव सोसाइटीज़ देखें तो वहाँ पे क्या था कि कोई इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं थे, ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम था, ना कोई खास जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर थी, मतलब एक बिल्कुल सिंपल सी सोसाइटी थी, टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी, तो वो बिल्कुल जो है वो सिंपल थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सोसाइटी जैसे जैसे मॉडर्न हुई, कॉम्प्लेक्स हुई, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता गया। आज की सोसाइटी देखें, यहाँ पे जो है काफ़ी डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है, हर काम जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, ये नहीं कि एक ही जो है सारे कामों को एक ही इंस्टीट्यूट ने संभाला हुआ हो, बल्कि डिवीज़न ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क है। आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, उस दौर में कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो जैसे जैसे जो है वो ग्रोथ होती जाती है, डेवलपमेंट होती जाती है, वैसे वैसे स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स में जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होता है, या पैदा होने से पहले जो 9 मंथ्स होते हैं वो जो है उसको एक प्रॉपर बनने में स्ट्रक्चर लगता है 9 मंथ्स का पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसको ग्रो करने में, डेवलपमेंट होने में काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, और इस दौरान जो है उसका स्ट्रक्चर मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म दोनों जो हैं जैसे जैसे वो ग्रोथ की तरफ जाती हैं, डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं, वैसे वैसे उनका स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थर्ड है, डिफरेंशिएशन इन स्ट्रक्चर लीड्स टू द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन आती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो फंक्शन मज़ीद स्पेशलाइज होते जाएंगे। जैसे पहले क्या था हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी में, कि मेल और फीमेल जो है, मेल जो है वो हंटिंग का काम कर लेते थे, फीमेल गैदरिंग का कर लेते थे, मिलजुल के, ऐसे थोड़ी सी डिवीज़न ऑफ लेबर थी। और जो अगर हम रूरल सोसाइटीज़ में देखें तो वहाँ पर जो है वो खास डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती, एक हकीम होता है, हर तरह की बीमारी को वही ट्रीट कर रहा होगा, दर्जी है तो उसने जो है वो सादा सादा कपड़े सबके सी देने हैं, कोई स्टाइल वगैरह नहीं, रेस्टोरेंट्स हैं तो ख़ास नहीं होते वहाँ पर, अगर हों भी तो देसी फूड वगैरह ज़्यादा, ये जो है आजकल की डिशेज़ वगैरह या चाइनीज़ वगैरह वहाँ पर नहीं मिलता। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन आती है, वैसे वैसे फंक्शन भी चेंज होता जाता है, फंक्शन भी मज़ीद स्पेशलाइज हो जाता है। आज के कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में देखें तो आपको हर तरह का डॉक्टर मिलेगा, ठीक है, किसी भी बीमारी के लिए जाएं एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होगा जो एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप टेलर के पास जाते हैं तो वैरायटी आपको मिलेगी डिफरेंट डिज़ाइंस की। रेस्टोरेंट्स में जाएं आपको हर तरह का फूड मिलेगा, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन होती जाती है जैसे जैसे जो है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्पेशलाइज होता है। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स का देखें तो उनके स्ट्रक्चर में जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आती है तो उनका जो फंक्शन है वो भी एक, हर बॉडी पार्ट जो है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना फंक्शन ही परफॉर्म करता है। ये नहीं कि आप जो है वो कहो कि टांग जो है वो हाथ का फंक्शन परफॉर्म कर ले, हाथ जो है वो टांग का कर ले, इस तरह से नहीं होता। हर एक ऑर्गन का और एक ऑर्गेनाइजेशन के एक सोसाइटी में स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क है, काम डिवाइड किए हुए हैं, और हर ऑर्गन और ऑर्गेनाइजेशन अपना काम ही परफॉर्म करती है। फोर्थ वन इज चेंज इन स्ट्रक्चर लीड्स टू द चेंज इन फंक्शन। जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे वैसे फंक्शन जो है वो भी चेंज होता जाता है, मतलब वही स्पेशलाइजेशन आती जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डिफरेंशिएशन एज वेल एज हारमोनी ऑफ इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क है, हर बॉडी का पार्ट जो है वो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा है। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट हैं, सारे अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हार्मनी मेंटेन रहती है, ठीक है। यानी अब देखें, बाजू जो है वो अपना काम कर रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं, टांग अपना काम कर रही है, सारों के अपने अपने काम हैं, वो अपने अपने काम ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक में भी मसला आ जाए तो बाकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं या बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर होती है। सेम इसी तरह सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक में कोई ख़राबी आती है तो ओवरऑल सोसाइटी की फंक्शनिंग जो है वो इससे इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बेशक डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क है, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसीलिए जो है जब वो मिलजुल कर काम करते हैं तो एक हारमोनी मेंटेन रहती है। जब हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो मिलजुल कर काम करेंगे तब हमारी बॉडी जो है वो स्मूथली रन कर पाएगी, फंक्शन कर पाएगी। सेम इसी तरह जो है सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जब तक वो सारे मिलजुल कर काम करेंगे तभी हमारी सोसाइटी का जो एक फंक्शन है वो प्रॉपरली रन कर पाएगा।
नेक्स्ट आ जाता है लॉस ऑफ एन ऑर्गन डजंट नेसेसरली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि अगर एक बॉडी का पार्ट या कोई ऑर्गन लॉस हो जाए वो, या उसको खुदा न खासा किसी बीमारी की वजह से काटना पड़े, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी है कि इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी टांग का कोई मसला हुआ, आपकी टांग काटनी पड़ी है, तो ज़रूरी नहीं है अब आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बाजू नहीं होता, हाथ नहीं होते, तो डेथ नहीं होती है उनकी। तो वो यही कहते हैं कि लॉस ऑफ एन ऑर्गन डजंट नेसेसरली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ऑर्गेनिज्म, के एक ऑर्गन के कट जाने से ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए, वो सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह वो कहते हैं कि सोसाइटी का अगर कोई एक पार्ट, कोई एक इंस्टीट्यूशन सही तरीके से रन नहीं कर पाता, वो जो है डिसफंक्शनिंग का शिकार हो जाता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सोसाइटी की पूरी डिके हो जाएगी। तो यानी एक ऑर्गन के ख़त्म होने से या कट जाने से, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के सही तरीके से काम ना परफॉर्म करने की वजह से ना सोसाइटी डिके होती है और ना ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। नेक्स्ट है सिमिलर प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उन्होंने सिस्टम बताए हैं तीन, और ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स लिए हैं और सोसाइटी को कंपेयर किया है। सिस्टम में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो कहते हैं कि एनिमल्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी को रेगुलेट करके रखता है, और सोसाइटी में गवर्नमेंट होती है जो कि सारे मामलात को डील करती है, और वो सोसाइटी में जो है वो एक रेगुलेटिव सिस्टम के तौर पर एक्ट परफॉर्म कर रही होती है। सेकेंड, सस्टेनेबिलिटी सिस्टम जो है एनिमल्स में गिविंग एंड रिसीविंग नरिशमेंट, फूड वगैरह लेना देना, ये सारी जो है इसकी वजह से जो है वो सस्टेनेबल रहते हैं। और सोसाइटी में जो है वो इकोनॉमी में बेसिक नीड्स आ जाती है हमारी, रोटी कपड़ा और मकान। तो सस्टेनेबल, अगर हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल होती है, हर बंदे की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं, तो सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन कर सकती है, या एटलीस्ट जो है वो डिके की तरफ नहीं जाती। फिर थर्ड सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। एनिमल्स में वेंस और आर्टरीज़ वगैरह हैं, ब्लड सप्लाई करना, ये वो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है वो वेंस और आर्टरीज़ करती हैं ऑर्गेनिजम्स में, जबकि सोसाइटी में जो है वो रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट हो गया, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये इन्होंने 7 सिमिलैरिटीज़ बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो एक सोसाइटी की तरह है, या सोसाइटी ऑर्गेनिज्म की तरह है, और ये इनके दरमियान जो है वो मुश्तरका चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस जो उन्होंने बताए थे सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म के दरमियान। नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म और एक सोसाइटी के दरमियान पाए जाते हैं। फर्स्ट है, ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज बट पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इंडिपेंडेंट। वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हाथ जो है ये निकल के वहाँ चला जाए, ये डिपेंडेंट हैं कि एक ख़ास जगह पे फिक्स हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंट है हमारी बॉडी पे। ठीक है, लेकिन एक सोसाइटी जो है उसके पार्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो एक प्रॉपर, हम कह नहीं सकते कि वो एक जगह बाउंड है, तो वो जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ऑर्गन्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज हैं, वो एक बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते। जहाँ पर हाथ है, हाथ ने वहीं रहना है, जहाँ पर टांग है, टांग ने वहीं रहना है। ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मूवेबल हैं, वो इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार हैं। वो बेशक वो रहेंगे सोसाइटी में ही, सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। फिर है, सोसाइटी डज नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्म एज डज द ऑर्गेनिज्म। सोसाइटी का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई एक फॉर्म नहीं होती जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आप इमेजिन करें एक डॉग। अब हम सब ने जो है वो एक डॉग का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको इमेजिन किया। कलर साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ रहा है वो सेम है। इसी तरह डंकी, कैट, सबका हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इमेजिन करते हैं सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, तो हमारे माइंड में, सबके माइंड में अलग अलग इमेजेस आएंगे। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आएगा कि ये वाली सोसाइटी एग्जैक्ट जो है ये अमेरिकन सोसाइटी है। सबके माइंड में जिस जिस तरह से उसने एक सोसाइटी को देखा होगा वो चीज़ें उसके माइंड में आ रही होंगी। तो सोसाइटी जो है ये मेंटली कंस्ट्रक्ट है, ये हमारे माइंड में एक आइडियाज़ की तरह आती हैं। इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होती जिस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। थर्ड वन इज मैनर्स ऑफ डिफरेंस इन द डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स और सोसाइटी। वो कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है इसके जो पार्ट्स हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उनकी वजह से ही हमारी सोसाइटी मिलके बनती है।
और सोसाइटी एक इंडिविजुअल की फलाह बहबूद के लिए ही पाई जाती है, जबकि वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनके फिक्स्ड बॉडी पार्ट्स हैं और वो बॉडी पार्ट सिर्फ अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं बॉडी पे, वो बॉडी के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो जो हैं वो फिक्स्ड होंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज़म के, एक बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज़म पे, जबकि जो हमारी सोसाइटी के पार्ट्स हैं वो सोसाइटी पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि सोसाइटी एक इंडिविजुअल की फलाह बहबूद के लिए पाई जाती है। फोर्थ वन इज़ डिफरेंस रिगार्डिंग द सेंट्रलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑर्गेनिज़म्स में क्या होता है, एक ब्रेन होता है जो कि सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो है वो एक ब्रेन है, अब आपके हाथ में अलग ब्रेन है, आपके लेग में अलग ब्रेन है, आपके आर्म में अलग ब्रेन है, बल्कि एक ही ब्रेन है जिसने एक स्पेसिफिक एरिया लिया हुआ है जिसमें वो पाया जाता है और वही सारे हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को, पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में देखें तो हर इंडिविजुअल के पास एक पर्सनल कॉन्शियसनेस होती है, हर सोसाइटी का जो पार्ट है उसके पास एक अपनी कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर हम बॉडी में देखते हैं तो एक ही जो है ब्रेन, उसी ने सारे बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है, कोई हर पार्ट के पास अलग अलग जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स में सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस पाई जाती है ब्रेन की सूरत में, बाकी बॉडी पार्ट्स में नहीं होती, जबकि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर इंडिविजुअल के पास पर्सनल कॉन्शियसनेस होती है। फिफ्थ वन इज़ डिफरेंस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, के सोसाइटी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस पाया जाता है। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स के मामले में ये है कि हर बॉडी पार्ट का एक अलग फंक्शन है, फिक्स्ड फंक्शन है और वो अपने फंक्शन को एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो फंक्शंस हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ फैमिली की एग्जांपल है, नॉर्मली क्या होता है कि मेल जो है वो ब्रेड विनर होता है, वो घर के बाहर जाके अर्न करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, मदर जो है वो घर की देखभाल करती हैं, बच्चों के सोशलाइजेशन करती हैं, ये सारे काम। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा भी होता है कि वो अपने रोल को एक्सचेंज कर लेते हैं, फीमेल जो है वो अर्न भी कर रही हैं और हस्बैंड्स भी आपको ऐसा नज़र आएंगे जो घर को संभाल रहे हैं, बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि जो ये है बॉडी पार्ट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो काम हाथ का है वो हाथ करेगा, जो पाँव का है वो पाँव ही करेगा, ठीक है, वो यूँ नहीं करेंगे कि फंक्शन एक्सचेंज कर लिया अपना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी को डिस्कस किया, जिसको थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, जिसमें स्पेंसर ने ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया सोसाइटी के साथ और उन्होंने उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई कि ऑर्गेनिज़म और सोसाइटी में कौन कौन से मुश्तरका चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन से फ़र्क पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।